Now we will start with the GSED subject. और जीएसईडी सब्जेक्ट में मेरे को सबके चेहरे नजर आने चाहिए. ओनम एंड कौशिक, मैडम इस सब्जेक्ट में क्या है? जीएसईडी बेटा हम कर रहे थे. जीएसईडी होता क्या है, ये हमने पढ़ा था कि जनरल स्किल्स जो हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करती हैं या जो ट्रेड्स हमारे अंदर होने चाहिए उसको हम जीएसईडी बोलते हैं, जीएसडी बोलते हैं, जेनरिक स्किल्स डेवलपमेंट. और आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. इसके बिना जीएसईडी का क्वेश्चन पेपर नहीं बनता. और क्वेश्चन है व्हाट इज लोकल एंड ग्लोबल सिनेरियो ऑफ जीएसडी. जीएसडी का लोकल और ग्लोबल सिनेरियो क्या है, यानी जीएसडी को लोकली हम क्यों यूज कर रहे हैं और ग्लोबली हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना. 10 नंबर का क्वेश्चन है ये, खुद पढ़ के थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा इसलिए इसको सुनो ध्यान से. जेनरिक स्किल्स को हम ग्लोबली भी यूज करते हैं. ग्लोबली का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी कि अब्रॉड में भी हम इसको इस टर्म को यूज करते हैं. कुछ कंट्रीज ने हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड चीजें हैं या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ कंट्रीज ने डिफाइन किया हुआ है कि उनके लिए जीएसडी में क्या क्या चीजें आती हैं. जैसे यूके की बात करते हैं, यूके बोलता है कि जो की स्किल्स हैं या जो कॉमन स्किल्स हैं या जो कोर स्किल है, ये तीनों टर्म्स वो यूज करता है जेनरिक स्किल के लिए. वो जेनरिक स्किल वर्ड यूज नहीं करता, वो क्या वर्ड यूज करता है, की स्किल, कोर स्किल या कॉमन स्किल. ये तीनों वर्ड्स वो जीएसडी के लिए यूज कर रहा है, यानी जेनरिक स्किल के लिए. अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, न्यूजीलैंड बोलता है असेंशियल स्किल जीएसडी को. ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, वो बोलता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और जेनरिक स्किल्स. कनाडा बोलता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल. यूएस बोलता है नेसेसरी स्किल्स, बेसिक स्किल्स एंड वर्क प्लेस नो हाउ. सिमिलरली सिंगापुर क्रिटिकल एनेबलिंग स्किल बोलता है, फ्रांस ट्रांसफरेबल स्किल बोलता है, जर्मनी की क्वालिफिकेशन बोलता है, स्विट्जरलैंड ट्रांस डिसिप्लिनरी गोल्स बोलता है, डेनमार्क प्रोसेस इंडिपेंडेंट क्वालिफिकेशन. मतलब सबने अलग अलग नाम दिया हुआ है जीएसडी को, क्योंकि जहां पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है उन्होंने एम्प्लॉयमेंट स्किल बोल दिया इसको, जहां पे उनको लगता है कॉमनली ये हर एक पर्सन में होना चाहिए उन्होंने उसको कॉमन स्किल बोल दिया इस तरह से. सो ग्लोबली भी जो हमारा जीएसडी है उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना एक सिनेरियो बना हुआ है उनका. ठीक है, अब अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज में भी, कुछ कंट्रीज के इंडस्ट्रीज में भी ये चीज मेक श्योर करी है कि आपको जेनरिक स्किल के बारे में पता होना चाहिए. वहां पे ट्रेनिंग सेशन लगते हैं ताकि वहां की जो हमारी लेबर है उसको जेनरिक स्किल के बारे में पढ़ाया जा सके और उसको बताया जा सके कि एक वर्क प्लेस पे काम करने के लिए उनके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया था इसमें टीम मैनेजमेंट, टास्क अचीवमेंट भी आता है, तो ये सब चीजें वो एक ट्रेनिंग के थ्रू प्रोवाइड करते हैं. डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं ताकि उनकी जो लेबर है उसको इसके बारे में पढ़ाया जा सके और उनको बताया जा सके कि आपने अपने आप के अंदर किस तरह से इम्प्रूवमेंट लानी है. ठीक है, सो अब इस पॉलिसी, ये जो उन्होंने पॉलिसी बनाई कि इंडस्ट्री में लेबर को इसके बारे में बताओ, वो क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करते हैं. एक तो कम्युनिकेशन स्किल, की लेबर को पता होना चाहिए कि कम्युनिकेट कैसे करना है. फिर वो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स लाते हैं जिसको हम आईटी स्किल्स बोलते हैं ताकि वो टेक्निकली भी साउंड हो सके. देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. अब हर एक क्लास थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी शायद. ओके, तो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी उसमें रखा हुआ है ताकि आपको पता है जब भी चार या चार से ज्यादा लोग काम करते हैं तो उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है जिसकी वजह से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. तो अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पहले से ही लेबर को सिखा देंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम वहां पे आएगी तो वो अपने आप से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है वो जेनरिक स्किल को बहुत ज्यादा फोकस करता है और उसने जेनरिक स्किल को 1980 में स्टार्ट किया था. देन 1990 में उसने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया. तो अब वहां पे क्या है कि स्किल्स को जो एम्प्लॉयमेंट है वहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट को यानी कि लेबर को प्रिपेयर करने के लिए ये स्किल्स जो आएंगे असेंशियल कर दी गई हैं. किस तरह का काम आपको ऑर्गेनाइजेशन में करना है उसके अकॉर्डिंग उसके स्किल्स को डिफाइन करके इम्प्रूव किया गया है.
कौन से इक्विपमेंट्स उसको यूज करने हैं वहां पे, सोशली उसको डील करना है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग वहां पे इंडिविजुअल को पार्टिसिपेट करा ज्यादा। तो की डेवलपमेंट जो है ये सब ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही थी। अब यूके ने क्या किया है, यूके ने भी ऑस्ट्रेलिया वाले मेथड को यूज किया सेम, उसने इसको कोर स्किल बोला पहले, फिर उसको की स्किल नाम दे दिया। तो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ जेनरिक स्किल, आपको ये ब्लैंक आती होती है, अदर जेनरिक स्किल या जेनरिक स्किल इज ऑल्सो नोन एज डैश, दैट इज की स्किल, के ई वाई, की स्किल। तो बेसिकली उसमें भी यही है, यूके ने भी यही सेम चीज करी कि एम्प्लॉयमेंट्स को, एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसने जेनरिक स्किल प्रोग्राम को स्टार्ट किया, ताकि बेसिक स्किल्स को लोगों के बेसिक स्किल के बारे में पता लग सके। तो यूके ने क्या किया, ये जेनरिक स्किल को दो जगह पे डिवाइड कर दिया, एक बेसिक स्किल में, एक वाइडर स्किल में। बेसिक स्किल में उसने कम्युनिकेशन, यूज ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी को यूज किया, और वाइडर स्किल में उसने कि आपने दूसरों के साथ काम कैसे करना है, अपनी लर्निंग और परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाना है, और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। उसने जेनरिक स्किल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, दैट इज बेसिक एंड वाइडर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री ने की स्किल्स को फर्दर इंप्रूव करके उसको यूज करना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपको बता दिया, यूके का मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट इज कैनेडा। कनाडा ने ये प्रोग्राम 1970 में स्टार्ट किया था, जैसे बाकी कंट्रीज ने इसको स्टार्ट किया, सिमिलरली उसने उसी तरह इसको स्टार्ट किया। और 1990 में इम्प्लॉयर्स को उसने इसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। उसकी स्कीम के अंडर क्या क्या आती है, फंडामेंटल स्किल जिसमें कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन मैनेज, यूज नंबर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, पर्सनल मैनेजमेंट स्किल, टीम वर्क स्किल, सेल्फ एस्टीम एंड इंटीग्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे जो फैक्टर्स को उसने कंसिडर करके अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। एंड द लास्ट वन इज यूएस, अमेरिका। अमेरिका ने इसको इम्प्लीमेंट किया 1990 में, उसमें उसकी बेसिक एंड फाउंडेशन स्किल आ गई, थिंकिंग स्किल आ गई, टीम स्किल आ गई, और पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स आ गए। क्या ये सब उसने यूज करके यूएस ने बनाया। मतलब आपका ये क्वेश्चन था लोकल एंड ग्लोबल सिनेरियो ऑफ जीएसडी, कि जीएसडी का लोकली और ग्लोबली किस तरह से सिनेरियो है। तो ग्लोबली मैंने आपको बता दिया, हर कंट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया, बस उन्होंने नाम चेंज कर दिया और डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। ठीक है, तो दिस वॉज द मेन टॉपिक। 10 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, वॉट इज लोकल एंड ग्लोबल सिनेरियो ऑफ जीएसडी। ठीक है, एंड मैम इसमें सारी, हाँ जी, हेलो मैम, इसमें सारी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी जो क्वेश्चन आएगा तो। हाँ, इसमें आपने बताना है कि यूके किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करता है, ऑस्ट्रेलिया किस तरह से इंप्लीमेंट करता है, अमेरिका और कनाडा। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी अनेक मैम, इंडिया में नहीं लगती जीएसटी? इंडिया तो मैंने आपको पहले शुरू में ही बता दिया कि हम इंडिया में क्या कर रहे हैं, वो तो लोकल सिनेरियो वो हो गया, ग्लोबल मैंने आपको अभी बताया। ओके मैम। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ये 10 नंबर में आएगा, इसके बिना भी क्वेश्चन पेपर नहीं बनता। हर एक क्वेश्चन उठा लो, हर एक क्वेश्चन पेपर उठा लो, ये क्वेश्चन है ही है। क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रिपल एल, दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। ये पूरा सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि सिर्फ समझने वाला और लिखने वाला चीजें हैं। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या चीज आती है, कि नाम से पता लग रहा है कि आपने लाइफ लॉन्ग, मतलब जब तक आपकी उम्र है तब तक आपने क्या चीजें सीखनी है। हम कहते हैं ना कि हर इंसान सारी उम्र अपनी कोई ना कोई चीज सीखता रहता है, उसी टॉपिक का ये नाम है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हमें पता है कि लर्निंग जो है हमारी चाइल्डहुड यानी बचपन में क्लासरूम से स्टार्ट होती है, और हमारी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस लाइफ में आती हैं, और उसको हैंडल करते करते बूढ़े होते तक, मरने तक हमारी जो चीजें हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं हर दिन। तो लाइफ लॉन्ग एजुकेशन में क्या आ जाता है, कि हमने फॉर्मल किस तरह से सीखना है, इनफॉर्मल किस तरह से सीखना है। फॉर्मल मतलब कि जो हमारे सोशल गैदरिंग है, जो हमारे फ्रेंड्स नहीं है, हमारे
फैमिली नहीं है, उनके साथ हमने कैसे डील करना है, फॉर्मल लोगों के साथ, कैजुअल लोग मतलब हमारे जो घर की फैमिली और फ्रेंड्स हो गए उनके साथ किस तरह से डील करना है। तो कंटिन्यूसली हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में लगे रहते हो जब तक कि हम मरते नहीं। तो लर्निंग जो है वो लाइफ में बहुत लंबा प्रोसेस है, हर जगह पे हर टाइम पे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है बिगिनिंग से लेके एंड तक। अगर हम बात करते हैं जो आपकी एज है 6 ईयर्स से लेके 24 साल तक, 6 साल से लेके 24 साल तक का जो एज ग्रुप है वो क्या सीखता है, 6 से 24 साल का जो एज ग्रुप है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाता है, कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल्स तक वो जाता है। और उनका काम क्या होता है वहां पे, कुछ ना कुछ सीखना। तो वो क्या सीखते हैं, फिजिकली अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है, दिमाग से, थिंकिंग से अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है। थिंकिंग वर्ड के लिए हम इंटेलेक्चुअल वर्ड यूज करते हैं कि आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कैसी है। तो इंटेलेक्चुअली आपने कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है, सोशल कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है यानी लोगों के साथ कैसे डील करना है, इमोशनली अपने आप को कैसे स्ट्रांग करना है और मेंटली अपने आप को कैसे स्ट्रांग करना है। सो लर्निंग जो है आपके 6 से 24 साल तक यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूल्स में चलती है। जब आप 25 से 60 साल की उम्र में हो जाते हो, जब आपने स्कूल पास आउट कर लिया, कॉलेज पास आउट कर लिया, तब आपका एज ग्रुप क्या सीखता है, इंडस्ट्री में जाके सीखता है या जिस भी प्रोफेशन में आप जाते हो, जिस भी ऑक्यूपेशन में आप जाते हो वहां पे आप सीखते हो, अपने कलीग से आप सीखते हो जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो मास मीडिया है उससे आप सीखते हो, जो टेक्नोलॉजी वहाँ यूज हो रही है उससे आप सीखते हो, जो वहाँ का माहौल है उससे आप सीखते हो। हम कहते हैं ना प्रोफेशनलिज्म में बहुत पॉलिटिक्स होती है, तो आप वहां पे जाके पॉलिटिक्स भी सीखते हो, चलाकियां कैसे करनी है, तो उससे भी आपका दिमाग तेज होता है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रिपल एल क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की इम्पोर्टेंस क्या है। एक तो जो एम्प्लॉयर है वो कॉम्पिटेंट बनता है, उसको पता लगता है उसने कॉम्पिटिशन में कैसे सर्वाइव करना है। दूसरा, उसको नॉलेज मिलती है कि आसपास जो उसकी तरह का बिजनेस लोग कर रहे हैं उनकी इंप्रूवमेंट कैसे हो रही है। तीसरा, उनको पता लगता है कि उनकी प्रमोशन किस तरह से होगी, उनको प्रमोशन लेने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। चौथा, उनको कोई ना कोई नई लैंग्वेज वहां सीखने को मिलती है। नेक्स्ट, उसको हम अपनी इंडस्ट्री के साथ, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहना पड़ता है ताकि वो जॉब में सर्वाइव कर सके। एंड द लास्ट वन, उसको टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड रहने के साथ साथ टेक्नोलॉजी में कुछ अपने नए पॉइंट्स देके कुछ इनोवेशन भी करने का मौका मिलता है। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिपल एल। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, 10 नंबर में आना। अब मैं आपको पूछ रही हूँ, जवाब दो जल्दी से। जेनरिक स्किल आर ऑल्सो नोन एज डैश। ठीक है, इंडस्ट्री प्रेफर्ड टर्म इज डैश स्किल्स। इंडस्ट्री क्या बोलती है, कौन से स्किल्स चाहिए उसको, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, ट्रिपल एल की फुल फॉर्म क्या है, क्लास आपको सुनाई दे रहा है, ट्रिपल एल की फुल फॉर्म क्या है। हाँ जी क्लास, ट्रिपल एल की फुल फॉर्म क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ग्रेजुएट लैक कॉम्पिटेंसी इन द डैश। ग्रेजुएट्स जो हैं आजकल के बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, उनमें किस चीज की कमी है, लर्निंग की। कौन सी, पेशेंस। जेनरिक स्किल लर्निंग, जेनरिक स्किल। अच्छा, एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात सुन लो, हमारा टॉपिक आज खत्म है, एमपी का भी और जीएसईडी का भी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जीएसईडी कैसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिकली लिखना है, ये थ्योरी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप इसको सिर्फ लिखोगे ना, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, 10 में से 6 मिलेंगे या 5 मिलेंगे। आपको हर एक टॉपिक के साथ डायग्राम बनाना है। वो डायग्राम कैसे बनाना है, जैसे आपको पूछा व्हाट इज जेनरिक स्किल, सपोज ये क्वेश्चन आया, आपने एक क्लाउड सा बना लो, गोला बना लो, सर्कल बना लो, जिसके अंदर लिखो जेनरिक स्किल। उसके बाद 5-6 एरो लगाओ जिसमें आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, एबिलिटी स्किल, ऐसे काफी सारे एरोज बना के नीचे। तो वो एक डायग्राम पेंसिल से, हम जैसे बिजनेस स्टडी में करते थे उसमें
कॉमर्स में होता है बिजनेस स्टडी में। हाँ, जिसने कॉमर्स किया उसको तो पता होगा, जिसने नहीं किया उसके लिए बता रही हूँ। जैसे सपोज मैम माइंड मैपिंग, माइंड मैप क्वेश्चन का डायग्राम बनाना, उसके आगे जैसे कि टॉपिक के आगे उसके टाइप्स हैं या कोई भी उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं उनको लिख देना साथ में। हाँ, डायग्राम जरूर बनाना। जैसे सपोज क्वेश्चन आ जाता है आपको 10 नंबर में, व्हाट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में, या फिर आ जाता है व्हाट इज लोकल एंड ग्लोबल सिनेरियो ऑफ जीएसडी। सपोज ये क्वेश्चन आ गया, आपने ऊपर लिखना है ग्लोबल सिनेरियो, उसको सर्कल करना है डायग्राम में, नीचे काफी सारे एरो बना के लिख दो, यूके यूएस कैनेडा यूके जो भी कंट्री सारी, लोकल में लिख दो एरो बना के, नीचे लिख दो इंडिया, दो डायग्राम बन गए पेंसिल से, फिर उसको एक्सप्लेन करो, तो वो आपका क्वेश्चन मोर प्रेजेंटेबल लगता है। इसमें आपको 10 में से 9 या 10 में से 8.5 नंबर जरूर मिलेंगे। अगर बिना डायग्राम, इसका रीजन क्या है, देखो मैं पेपर चेक करती हूँ, मेरे पास पेपर चेक करने के लिए आता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक लाइन पढ़ू, ठीक है ना, हमारा इतना इंटरेस्ट। पहली बार साफ बता देती हूँ, एक पेपर चेक करने का 10 रुपए मिलते हैं, अब 15 रुपए हो गए, ठीक है। तो हर एक एग्जामिनर की कोशिश होती है एक दिन में ज्यादा से ज्यादा पेपर चेक करे, ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाए। टारगेट उन्होंने रखा होता है कि 2 घंटे में या 3 घंटे में उन्होंने 100 पेपर चेक करना है, तो उसके लिए आपकी एक एक लाइन नहीं उन्होंने पढ़नी, उन्होंने क्या देखना है, आपने डायग्राम बनाया है, डायग्राम ठीक है, इसका मतलब बच्चे